आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 6, द न्यू प्लेयर इन द टीम। ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू सम सीरियसली फ्रॉम टुडे। आई एम मेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन। ममता, मैं चाहता हूँ कि तुम आज से इस गेम की सीरियस प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें अपने बास्केटबॉल टीम में लेने वाला हूँ। ये वर्ड्स बास्केटबॉल कोच के सभी को आश्चर्यचकित कर दिए। सिलेक्शंस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर हिज कोच बास्केटबॉल टीम एंड द कोच हैड चोजन ममता हु हैड जॉइंड इन द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर। स्कूल की बास्केटबॉल टीम के लिए सिलेक्शन होने वाले थे और कोच ने ममता को चुना था जिसने सिर्फ एक महीने पहले स्कूल ज्वाइन किया था। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी ज्वाइन द स्कूल बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वॉज रेडी टू टीच हर। जिस दिन से ममता ने इस स्कूल को ज्वाइन किया था उस दिन से ममता बास्केटबॉल खेलना चाहती थी, लेकिन कोई भी लड़की उसकी क्लास में से उसको सिखाने के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट सम ऑफ द टीम इन द गर्ल्स इन द टीम इवन लॉफ्ड एट हर व्हेन दे हर्ड दैट द प्रीवियस स्कूल इन विच शी हैड स्टडीड डिड नॉट इवन हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट। और यहाँ तक कि उनकी टीम में से कुछ लड़कियों ने उसकी हंसी भी उड़ाई जब सुना कि प्रीवियस स्कूल जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट तक नहीं था। ममता हैड बीन स्टडिंग इन ए स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन टिल देन एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल इन द सिटी। ममता पास के कस्बे में एक छोटे स्कूल में पढ़ती थी क्योंकि उसके हस्बैंड उसको सिटी के पब्लिक स्कूल में भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड वॉन फ्रॉम अ ट्रस्ट दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू ज्वाइन शी दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल। इस स्कूल में पढ़ना सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने एक ट्रस्ट की स्कॉलरशिप जीती और तब वो इस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना संभव हो सका। बींग अवे फ्रॉम ए हॉस्टल फ्रॉम होम इन अ हॉस्टल शी यर्न फॉर सम फ्रेंड्स बट टिल नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट ए स्मॉल टाउन गर्ल एज ए फ्रेंड। अब घर से दूर हॉस्टल में उसको कुछ दोस्तों की चाहत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लड़कियों ने एक छोटे कस्बे की लड़की को दोस्त बनाने से इनकार कर दिया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। स्कूल की ज़्यादातर लड़कियाँ अमीर घरानों से थीं। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। ज़्यादातर लड़कियों ने उसको एक अनवेलकम गेस्ट की तरह ट्रीट किया जिसका स्टैंडर्ड उनके लेवल से बहुत नीचे था। सर, शी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक इन द टीम, द कैप्टन सबा कंप्लीटेड। सबा ने कंप्लेन किया कि सर आप उसने कभी भी बास्केटबॉल इसके पहले नहीं खेला है, आप उसे टीम में कैसे ले सकते हैं। डोंट बी मीन सबा, सबा इतनी तुच्छ मत बनो। देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, सभी के लिए कभी ना कभी फर्स्ट टाइम होता है। कांट यू सी हाउ गुड हर पासेस आर, क्या तुम देख नहीं सकती उसके पासेस कितने अच्छे हैं। एंड फिजिकली शी इज़ फिटर देन एनी ऑफ यू, द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिश सबा। सबा को डांटते हुए उनके जो गेम्स टीचर थे उन्होंने कहा कि और फिजिकली वो तुम लोगों में से ज़्यादा फिट है, कोई भी तुम लोगों में से ज़्यादा फिट है वो। ओ नो, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दिस ईयर, ग्रम्बल रीमा द वॉइस कैप्टन ऑफ द टीम। टीम की वॉइस कैप्टन रीमा गुर्राकर बोली, ओ नो, अब हम इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप की ट्रॉफी जीतना भूल सकते हैं, इस साल तो नहीं जीतने वाले।
The other girls in her group also made faces to show their displeasure. इस ग्रुप की दूसरी लड़कियों ने भी ना खुशी का मुंह बनाया, फेस बिगाड़ के मुंह बनाया, नापसंद की जाहिर कर दी. What these girls didn't know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. उनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ ये नहीं जानती थी कि अगर कोई ममता को कोई निश्चित चीज़ कहे कि ये चीज़ वो नहीं कर सकती, तो वो इसे एक चैलेंज की तरह लेती है और सामने वाले को गलत साबित किए बिना रेस्ट नहीं करती. द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, कोच ने सुना कि रीमा ने कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्ट प्लेइंग. कोच ने रीमा से बोला कि क्या जब तुमने बिल्कुल इस खेलना स्टार्ट किया था तभी तुम ट्रॉफी जीतने के लायक थी. मे दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता. हो सकता है इस साल तुम आखिरी बार ममता के कारण जीत सको. ममता वॉज टच्ड बाय द रिमार्क. इस कारण से ममता बहुत ज़्यादा टच हो गई. शी साइलेंटली थैंक द कोच फॉर दिस रिमार्क, फॉर दिस सपोर्ट. उसने साइलेंटली ममता ने कोच को सपोर्ट के लिए थैंक्स किया एंड मेड हर माइंड टू बी सो गुड दैट एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर. और अपने माइंड को प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से कि उस टीम में उस गेम में वो बहुत अच्छी हो और इतनी अच्छी हो जाए कि उसकी टीम ममता के बिना इस खेल में अपने आप को इनकम्प्लीट समझे. शी थॉट ऑफ फेमस वर्ड्स दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. उसने याद किया कि उसकी माँ अक्सर फेमस वर्ड्स को रिपीट करती थी उसको कि प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट होता है. सो शी स्टार्ट यूजिंग एट अ फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल. तो उसने फ्री टाइम में बास्केटबॉल खेलना शुरू किया. She was thankful that coach was helping her in every way. वो thankful थी कि coach हर तरह से उसकी मदद कर रहे थे. She kept perfecting her passes and her techniques and with firm determination. उसने अपने passes को और अपनी technique को अपने दृढ़ संकल्प से perfect किया. Even the snide remarks from the teammates मेक हर मोर रिजोल्यूट. यहाँ तक कि व्यंगपूर्ण ताने जो उसकी टीम के और लोगों ने किए उसको और भी ज़्यादा दृढ़ संकल्पी बना दिया. लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास एंड हेमा सेड, जैसे एक बार उसके हाथ से एक पास छूट गया था तो हेमा ने कहा, डू यू हैव बटर फिंगर्स दैट यू कांट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली. क्या तुम्हारी मक्खन की उंगलियाँ हैं कि तुम बॉल को ढंग से पकड़ नहीं सकती. और वैन रीमा सेट डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, या फिर रीमा ने जब कहा कि कोर्ट में खेल के मैदान में बहुत अच्छी दिखने की कोशिश मत करो, इट वॉन्ट गेट यू एनी वेयर, यू तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा. यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव. तुम्हें इस खेल में हमेशा फाइटर बने रहना है और हमेशा आक्रामक होना है. डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, और कोर्ट में तुम्हारे जैसे नाजुक लड़कियों की कोई जगह नहीं है. लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर. कुछ तो गर्ल्स ने भी रियलाइज किया, जो भी उन्होंने रिमार्क किया था उनके कारण ममता के अंदर का फाइटर उन्होंने जगा दिया. वन मंथ लेटर द स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स मीट. एक महीने बाद स्कूल ने एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया. ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस. ममता 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी. शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन हर टाउन. वह अपने टाउन में काफ़ी दूर तक पैदल चलती थी. दैट हैड हेल्प हर इज डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टेमिना. तो इस कारण उसका
पैरों का लेग मसल्स जो हैं वो अच्छे से बहुत अच्छे से मजबूत हो गए और उसका स्टेमिना भी बहुत बढ़ गया. ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल ऑफ हर एज. इसके अलावा वह अपनी उम्र से ज़्यादा लंबी भी थी. शी वुड बी कम्पीटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन हु हैड बीन विनिंग द रेस द पास्ट 3 ईयर्स. इसके अलावा उसको स्कूल चैम्पियंस के अगेंस्ट में कम्पीट करना था जिसने पिछले 3 सालों से ये रेस जीत रखी थी. मोस्ट गर्ल्स लॉफ्ड एट हर विश टू विन द रेस. ज़्यादातर लड़कियों ने उसके रेस जीतने की इच्छा की हंसी उड़ाई. आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन द रेस. क्योंकि ममता ने इसके पहले रेस में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था. शी नू दैट शी कुड रन वेल. वो जानती थी कि वह बहुत अच्छा दौड़ सकती है. इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिग्रेस प्रैक्टिस. सिर्फ कठोर प्रैक्टिस की बात थी. एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न कारण वो जीतना चाहती थी. शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट स्कूल चैम्पियन वुड ऑल्सो हेल्प हर सम हाउ इन हर बास्केटबॉल गेम. उसने महसूस किया कि स्कूल चैम्पियन के अगेंस्ट जीतना कहीं ना कहीं बास्केटबॉल टीम में उसको हेल्प करेगा. सो शी स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज इन मॉर्निंग. तो फिर जब मॉर्निंग में वो एक्सरसाइज करती थी तो उसने स्पीड में अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया. द डे ऑफ द रेस डॉन्ड. दिन आया जब रेस शुरू हुई. इट टर्न आउट टू बी क्लोज रेस. और बिल्कुल ये बहुत क्लोज रेस में बदल गई. टूवर्ड्स द एंड ममता कॉट अप विद द चैम्पियन. अंत तक ममता बिल्कुल चैम्पियन को पकड़ लिया. ममता ने वहाँ तक पहुँच गई. हर आइज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन. उसी आंखें फिनिशिंग लाइन पर फिक्स थी. लाइक अर्जुन इन महाभारत एमिंग एट द फिश आई. जिस तरह से अर्जुन की आंखें महाभारत में मछली की आंख पर फिक्स थी निशाना था, उसी तरह ममता की भी आंखें फिक्स थी. ममता टू कुड सी नथिंग एल्स. ममता को इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. एट एंड इन द एंड शी डिड विन दो बाय कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली. और अंत में वो सिर्फ कपल ऑफ सेकेंड्स मतलब सिर्फ 2 सेकेंड से वो जीत गई थी. इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देर वॉज ए मोमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एज शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन. तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था. बिल्कुल एक मोमेंट के लिए बिल्कुल साइलेंस हो गई थी जब उसने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया. इवन द जजेस ऑन द फील्ड वॉज सरप्राइज दैट समवन लुकिंग सो फ्रेयल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट. यहाँ तक कि जज भी सरप्राइज रह गए कि कोई इतनी नाजुक दिखने वाली लड़की इतना तेज़ी से दौड़ सकती है. देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फील्ड बिफोर ममता वॉज अनाउंस द विनर. बहुत ज़्यादा फील्ड में एक्साइटमेंट था जब ममता को विनर अनाउंस किया गया.